हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारे के ट्रेलर के बारे में, जो फॉक्स स्टार द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस ट्रेलर ने पहले ही दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने सबसे ज़्यादा लाइक का रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड अभी तक हॉलीवुड मूवी द एवेंजर एंड गेम के नाम था, जो एक दिन में 2.2 मिलियन लाइक के साथ टॉप पे थी। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा के ट्रेलर ने 4.8 मिलियन लाइक्स के द्वारा ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड्स ये विरोध कर रहे हैं कि उनकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना होकर बिग स्क्रीन पर रिलीज हो, जिससे वह उस मूवी को सुपर डुपर बना सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब ये बात आ गई है कि 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार पर इसे रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी फ्री, तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें कम से कम लास्ट मूवी तो उनकी बिग स्क्रीन पर देखने को मिलनी थी। फ्रेंड्स, वहीं बिहार के लोग, जहाँ के सुशांत सिंह राजपूत का जहाँ घर है, जहाँ उन्होंने जन्म ली, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म कम से कम बिहार में तो टॉकीज में दिखाई जाए, बिग स्क्रीन पर दिखाई जाए। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की कहानी की, तो ये एक नोवेल है जो जॉन रीमेन ने लिखा है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बन चुकी है, द फॉल्ट वॉर स्टार, उसी की ये रीमेक है हिंदी में, दिल बेचारा। फ्रेंड्स, इसका नाम पहले कुछ और रखा गया था, लेकिन जब आर्य रहमान के एक गाने से प्रभावित होकर इस फ्रेंड्स, जो उसके डायरेक्टर मुकेश जाबरा, उन्होंने इसका नाम चेंज करके दिल बेचारा कर दिया। तो फ्रेंड्स, बात करें इस मूवी के रीडिंग रोल की, तो फ्रेंड्स इसमें संजना साखी हैं, जिन्होंने किसी का रोल निभाया है, और मैरी सुशांत सिंह राजपूत। और फ्रेंड्स, सुनने में आ रहा है कि जावेद जाफरी भी इस मूवी में आपको नज़र आ सकते हैं, और सैफ अली खान भी, आपको कुछ सीन उनके भी इसमें देखने मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें ये मूवी किसने बनाई है, तो फ्रेंड्स जो सुशांत सिंह राजपूत को TV सीरियल से मूवी की दुनिया में लाए थे, मुकेश जाबरा जी, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। फ्रेंड्स, इस मूवी की कहानी की बात करें, तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि किसी नाम की एक लड़की रहती है, जिसे थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर हो जाता है, और वो इससे काफ़ी दुखी रहती है। वो सोचती है कि उसके पास काफ़ी कम समय है, और मेरे नाम का एक लड़का जो सुशांत सिंह राजपूत है, उसे भी एक कैंसर हो जाता है, बोन कैंसर, जो कि ठीक हो जाता है, और वो बड़ा ही मस्त मौला टाइप का रहता है। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती बहुत आगे तक बढ़ जाती है। किसी के मैरी से कहती है कि उसे पेरिस घूमना है, और उसकी ये आखिरी इच्छा भी मैरी पूरा कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप में कहानी आगे बढ़ती रहती है, और बाद में पता चलता है कि मैरी का कैंसर रिटर्न हो गया है, वो अभी ठीक ही नहीं हुआ था। और फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि कैंसर किसकी जान पहले लेगा। इसी दौरान फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत का एक डायलॉग जो इस मूवी में है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, कि उन्होंने कहा था कि जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इस डायलॉग को लोग उनकी वास्तविक लाइफ से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी में बहुत कुछ है, काफ़ी शानदार मूवी का ट्रेलर है। और फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड्स चाहेंगे कि वो इस मूवी को, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ क्यों ना हो, उसे सुपर डुपर बना कर ही छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, बात करें इस मूवी की रिलीज़ की, तो फ्रेंड्स काफ़ी उलझी हुई मूवी की रिलीज़ डेट थी। पहले सुशांत सिंह राजपूत ने इस मूवी को रिलीज़ करने के अपने ट्विटर अकाउंट से नवंबर बताया था, तो फ्रेंड्स बाद में कुछ टेक्निकल इशू या कुछ भी प्रॉब्लम के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया, जिसे 8 मई कर दिया गया, जिसे बाद में फ्रेंड्स लॉकडाउन के कारण इस मूवी को और पोस्टपोन कर दिया। और फ्रेंड्स, इससे भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ उनके फ्लाइट में सुसाइड के कारण हुई, जो कि एक रहस्य अभी तक बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अब इसकी डेट आ रही है कि 24 जुलाई में ये फाइनल OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ की जाएगी, और भारतवासियों को इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे, मतलब इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपकी इस विषय पर क्या राय है कि इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना चाहिए या बिग स्क्रीन पर, आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।